ये एक बड़ी प्रो किस्म की ट्रिप है, आप आजमा के देखिएगा, ये ज़रूर वर्क करेगी। वेलकम टू द चैनल रेक्स द जर्मन शेफर्ड। अच्छा, एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को फेस करने में मिलती है कि यार हमारे डॉग को कोई दिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं फील हो रही, लेकिन उनके केज में से या जिस जगह वो रहते हैं वहाँ से स्मेल बहुत आती है, बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, बर्दाश्त नहीं होती। हम क्या करें, हमें समझ नहीं लग रही कि प्रॉब्लम क्या है। अब इस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा रीजंस होती हैं, आप बारी बारी रीजंस सुनते जाएं, क्या आपको पता चल जाएगा कि आपके डॉग में प्रॉब्लम क्या है और फिर उसी हिसाब से आप उसका सलूशन करेंगे। तो सबसे पहले जो रीज़न आती है वो ये आती है कि आपके डॉग को कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हो रहा है उसकी बॉडी में, ठीक है। यानी कि हेयर्स होती है ना इनकी बॉडी पे, जैसे इसके हेयर्स हैं, तो आपको देखना होगा अंदर कहीं कि इसकी बॉडी पे कहीं पिंपल्स तो नहीं है, रैशेस तो नहीं है, ठीक है, कहीं से बाल झड़ तो नहीं रहे बहुत ज़्यादा। आपको ये पहले गौर करना पड़ेगा, क्योंकि बाज़ अवकात जो डॉग्स होते हैं ना वो पानी में बैठते हैं या गंद में बैठते हैं, किसी भी रीज़न से, गर्मी की वजह से किसी भी रीज़न से ना उनकी बॉडी पे रैशेस हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है और जिससे स्मेल आती है बहुत ज़्यादा। अब इसके जो सलूशन है, हमें क्या करना होगा, अगर आपके डॉग को ये चीज़ है तो आपने सबसे पहले उसको अच्छी तरह से नहलाकर उस जगह पर जहाँ पे रैशेस हो रहे हैं उस जगह पर आपने पायोडीन स्क्रब मल देना। पायोडीन स्क्रब मिल जाता है, कहीं से भी मिल जाएगा आपको, किसी क्लिनिक से मिल जाएगा आपको ईजीली, वो आपने उसको उस जगह पर मल के छोड़ देना है। आगे क्या रीज़न्स हो सकती हैं, देखें गर्मी, ये मौसम ऐसा चल रहा है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, डॉग से वैसे ही बहुत स्मेल आ रही होती है। ये तो मौसम भी ऐसा है कि इंसानों से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, स्वेट होते हैं, पसीने आते हैं। आपने ये देखना है कि आपका डॉग कहीं पानी गिराकर तो नहीं उसके ऊपर बैठ रहा, यानी कि जहाँ वो बैठ रहा है वहाँ पर पानी तो नहीं है, वो गीला तो नहीं रहता डॉग। अगर डॉग पानी के ऊपर बैठा रहता है या डॉग गीला रहता है तो वो डॉग स्मेल करना शुरू हो जाता है, क्योंकि इनके हेयर्स होते हैं, हेयर्स में स्मेल बैठ जाती है। तो आपने इस चीज़ से उसको बचाना है। अगर आप उसको शॉवर भी दे रहे हैं तो आपको चाहिए कि अच्छी तरह से उसको टॉवल से साफ़ करके, अगर आपके पास ब्लो ड्रायर है तो उसे भी आप उसको ड्राई कर सकते हैं। अच्छा, अगली रीज़न ये होती है कि हमारे डॉग के टीथ में जम्स बनना शुरू हो जाते हैं, इसलिए उनके मुँह से ना स्मेल आना शुरू हो जाती है। जिस तरह मुझे इस टाइम स्वेटिंग हो रही है, मेरे मुँह पर पसीना आ रहा है, आर्म्स पे आ रहा है, डॉग्स के ऐसे पसीना नहीं आता कभी भी बॉडी पे, इनके पसीना जो स्वेट होता है ना वो इनके मुंह से निकल रहा होता है, जिस तरह वो थूक फेंक रहे होते हैं ना वो उनका स्वेट है, वो सलाइवा उनका स्वेट है। तो उससे ना उनके टीथ में जरासीम पैदा होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो स्मेल करना शुरू कर देते हैं। तो मेरे पास एक टीथ ब्रश पड़ा हुआ है, ये आसानी से आपको किसी भी मार्केट से मिल जाएगा, ये ब्रश बना हुआ है इसका, तो आप ये ले सकते हैं। इसके साथ पेस्ट भी मिलती है, वो डॉग्स की अलहदा पेस्ट होती है, आप इसको इस तरह फिंगर में पहनकर उनके डेली ब्रशिंग लाजमी करें, हेयर ब्रश भी करें और टीथ ब्रश भी आपने डेली रूटीन में लाजमी रखना है। अच्छा, अब आते हैं उनकी प्रॉब्लम्स की तरफ, यानी कि अंदरूनी बॉडी प्रॉब्लम्स की तरफ क्या हो सकती है। हमें पता नहीं होता कि हमारे डॉग को ना कहीं लीवर का मसला होता है या स्टमक का मसला होता है, उनका जो खाना है वो ठीक तरह से डाइजेस्ट नहीं हो रहा होता, तो वो जो वॉशरूम करते हैं उस वॉशरूम से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। तो इस चीज़ को भी आपको मद्देनज़र रखना होगा कि कहीं हमारे डॉग को गर्मी तो नहीं हो रही, कहीं लीवर तो नहीं डिस्टर्ब हो रहा या स्टमक तो नहीं डिस्टर्ब हो रहा, या उनके वॉशरूम से इतनी स्मेल क्यों आ रही है। तो उसके लिए काफ़ी लीवर टॉनिक आते हैं, जिनमें से सबसे बेस्ट जो मैं यूज़ करता हूँ वो ये है, हिमालया का लिव 52। ये आप सुबह शाम 5 ml दे सकते हैं। इसके अलावा मल्टीविटामिन कह सकते हैं, बिसलेरी सिरप, ये भी आप दे सकते हैं, ये आपने इकट्ठे देना है, ठीक है, 5 ml वो, 5 ml ये सुबह शाम। इसे आपका जो डॉग का लीवर होगा ना वो फ्रेश रहेगा, खाना सही तरह से डाइजेस्ट होगा और स्मेल भी बनना ख़त्म हो जाएगी। ये कुछ रीज़न्स थी जो मैंने आपको बताई, अब आपको देखना होगा कि आपके डॉग में क्या प्रॉब्लम है और उसका क्या सलूशन है, मैंने आपको साथ साथ सलूशन भी बता दिया। हाँ, आप अगर फिर भी आपको कोई रीज़न समझ नहीं लग रही या आपके डॉग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आपने क्या करना, फिर आपने ये करना है कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि मैं यूज़ करता हूँ ये वाला शैम्पू, ये स्किन डिजीज़ के लिए भी है, इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं। शैम्पू करने के बाद आपने लेना है एप्पल विनीगर, यानी कि सेब का जो सिरका होता है, किसी भी अच्छी कंपनी का वो ले आए, आपने 2 tablespoons वो
पानी के अंदर ऐड करना है, ज़्यादा सारा पानी के अंदर ऐड करें। अगर आपके पास शॉवर है तो आप शॉवर में ऐड करके ना दोनों चीज़ों को मिलाकर तो अपने पूरे डो को नहलाने के बाद उसके ऊपर शॉवर कर दें, पूरी बॉडी पे शॉवर करके छोड़ दें। उनकी बॉडी की जितनी भी स्मेल होगी या उनकी बॉडी पे रैशेज होंगे या इन्फेक्शन होंगे वो सारे ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। तो ये एक बड़ी प्रो किस्म की ट्रिप है, आप आजमा के देखिएगा, ये ज़रूर वर्क करेगी। रेक्स कम हियर। तो हमारे रेक्स बेचारे को बड़ी गर्मी लग रही है, ठीक है, वो बोर भी हो रहा है कि ये कर क्या रहूँ मैं। मेरी वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें रेक्स के लिए, ताकि मैं मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहूँ। थैंक यू सो मच।